में मात्र चंद कदम की दूरी पर स्थित मंडी गेट के पास सुरेश चंद जैन की दुकान को दबंगों ने देर रात तमंचे के बल पर धराशायी कर दिया है, जिससे जाहिर होता है कि योगी सरकार की पुलिस रात्रि में कितना पहरा दे रही है। वहीं पीड़ित व्यक्ति द्वारा दिए शिकायती पत्र में कहा कि 70 साल पुरानी दुकान का 20 साल से न्यायालय में मुकदमा चलने के बाद भी स्टे ऑर्डर चल रहा है, जिसमें दुकान को किसी भी तरह से तोड़फोड़ नहीं की जा सकती। वहीं पीड़ित व्यक्ति मनोज कुमार जैन उर्फ टिंकल ने कहा कि पूर्व में सूत्रों की मिली जानकारी के अनुसार दुकान गिराने की साजिश की जानकारी की खबर जिला अधिकारी फिरोजाबाद एवं थाना सिरसागंज वसियों को लिखित एवं ऑनलाइन दी गई थी। वहीं पीड़ित व्यक्ति ने शिकायत पत्र में कहा, दुकान गिराने की मिल रही जानकारी के बाद वह लगातार दुकान के बाहर ही सोया करता था, तभी बीती रात लगभग 50 लोग उसके पास आए और तमंचे के बल पर उसे बंधक बनाकर मारपीट करते हुए वहां से अलग ले गए और कहा यदि कुछ भी बोला तो जान से मारने की धमकी भी देने लगे, जिसके बाद दबंगों ने जेसीबी मशीन से दुकान को धराशायी कर दिया। देखिए फिरोजाबाद से सचिन जैन की रिपोर्ट, एसकेएच न्यूज। हाँ जी, आपके साथ क्या हुआ जी? इन लोगों ने धावला एकदम आए थे और तमंचा रखता हमारे सिर पे। और क्या आपको ये सब घटना होने की, आपकी ये दुकान जो सिरसागंज स्थित मंडी गेट पर जो स्थित है आपकी सुपाड़ी की दुकान, इसकी आशंका जताई गई थी कि ये गिराई जा सकती है? गिराई की धमकी दी है। क्या आपने पुलिस में इसकी कंप्लेंट की थी? लिखी है, लिखित में दी है। डीएम साहब के लिखित में दी है। आपके साथ अभी क्या हुआ और ये कितने बजे की घटना है? जी 2:15 बजे की रात की। रात के मैं सो रहा था और एकदम आके झपट लिया, पकड़ लिया। अच्छा, तो क्या उन लोगों के पास हथियार भी थे? हाँ, हथियार थे, तमंचे थे। कितने लोग थे करीबन? होंगे कम से कम 50-60 लोग होंगे। 50-60 लोग होंगे।